प्रशासन से कहा कि हम लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, तमाम प्रतिष्ठान खुलेंगे और कोविड जो उन्होंने आइसोलेशन का सेंटर बनाया था वो बंद कर दिया और बोल रहे हैं कि कोविड को हम लोग मानेंगे। आपका अपना व्यक्तिगत नजरिया क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूं मोदी सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से, अगर बिल किसी जान से बढ़कर नहीं होते, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि इतनी जानलेवा बीमारी है कोरोना, तो बिल रद्द कर दें, हम घर चले जाएं, हमें कोई शौक थोड़ा ना है सड़कों पे बैठने का। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फर्ज बनता है इस टाइम पर, अगर कोरोना महामारी इतनी खतरनाक है तो हमारे बिलों को रद्द करना चाहिए फौरन अभी, और किसानों को घर भेजना चाहिए ताकि उनको बीमारी ना लग जाए। जब इनकी इलेक्शन होती है बंगाल में, तब कहाँ जाता है कोरोना जी इनका? इनको पूछो एक बात, जब ये सिलेंडर ऑक्सीजन के जब बाहर से हेल्प मंगवाते हैं, एक एक हफ्ता 10-10 दिन एयरपोर्ट पे सिलेंडर रुलते रहते हैं, दिल्ली में इतनी मौतें हो रही है वेंटिलेटर की वजह से, तब कहाँ जाती है ये सरकार? इनको सबसे पहले तो मैं ये अपील करूंगी, अगर ये कोरोना बीमारी है तो सबसे पहले तो बिल रद्द करें, लोगों को घर पे भेजें। दूसरी बात, हम 5-6 महीने से बॉर्डर पे बैठे, हमें तो कोरोना नहीं हुआ, हमें तो ना ही होगा। और एक और अपील करना चाहती हूँ खट्टर सरकार से, देखिए हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन के बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हरियाणा के अंदर हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन जानी चाहिए, यहाँ पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद बाहर भेजें। इन्होंने एक स्कीम चला रखी है, उड़ीसा से ऑक्सीजन इधर से आ रही है, खर्चा बढ़ा रहे हैं, बॉम्बे से इधर ऑक्सीजन आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है, इधर यूपी से आ रही है, इधर की ऑक्सीजन यूपी में भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? सबसे पहले अपना स्टेट का तो ना बेड़ा करो, स्टेट के अंदर की जो ऑक्सीजन है स्टेट से बाहर तब तक नहीं जानी चाहिए जब तक यहाँ के हॉस्पिटलों में फुल ऑक्सीजन ना हो, वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्टेट के पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बट इनका प्रशासन के बीच में ना वो डिसिप्लिन नहीं है, ये इधर की ऑक्सीजन उधर भेज रहे हैं, उधर की महंगी इधर बुलवा रहे हैं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हरियाणा की ऑक्सीजन हरियाणा में ही रहनी चाहिए, हरियाणा के जो ट्रक के ऑक्सीजन के बाहर नहीं जाने चाहिए, हॉस्पिटलों में जाने चाहिए जहाँ पे लोग तड़फ रहे हैं वेंटिलेटर की वजह से, वो वहाँ जाने चाहिए। तो क्या पंजाब के भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं या फिर हरियाणा बदतर है इस मामले में? किस तरह से? कोविड के मामले में और जो सरकार के सियासी प्रबंधन है उनकी बातें। देखिए ऑक्सीजन की कमी तो पंजाब में भी है, बट पंजाब की ऑक्सीजन पंजाब में ही रह रही है, पंजाब की ऑक्सीजन हम बाहर नहीं जाने दे रहे। देखो जब हमारी स्टेट की ऑक्सीजन ज्यादा पड़ जाएगी तब हम दूसरी स्टेट की हेल्प करेंगे ना, जब हमारी स्टेट की में पूरी नहीं पड़ रही तो हम बाहर क्यों देंगे। और दूसरी बात, सरकार बहुत बड़े लेवल पे फेल हो चुकी है, जब एक साल पहले पता था कि कोरोना आने वाला है, ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, तो फिर कौन सी सरकार? मैं पंजाब का जिक्र कर रहा हूं, मैं पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। मेन पीएम का मतलब होता है ना ऑल ओवर इंडिया की बातें सुलझाना, और दूसरी बात ये पीएम को ये भूल जाना चाहिए कि वो बीजेपी का पीएम है, एक पार्टी का पीएम है, उसको सोचना चाहिए, वो पूरे देश का पीएम है इस टाइम पर, आम जनता ने उसको वोट डाल के बनाया है, प्राइम मिनिस्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि अपनी सुरक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पर उसका आने का फर्ज बनता था किसानों के सामने, अन्नदाता अन्नदाता के नाम पे वोट लेते हैं, ये अन्नदाता के नाम पे सरकार बनाते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आई थी, अभी तक इनकी लागू नहीं हुई। किसानों को भूखा मार देंगे, कॉर्पोरेट कंपनी जिनके पैसों की वजह से इनकी सरकारें बनती हैं उनकी चमचागिरी करते हैं। पंजाब की पुलिस कितनी माफी? देखिए पंजाब में जो हाल है महामारी और उस पे सरकारी प्रबंध, उस पे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए पंजाब में सरकारी प्रबंध अच्छा है और ऐसी कोई ज्यादा महामारी नहीं है, मैं अपने गाँव में देख के आई हूँ, लोग सुरक्षित हैं और ठीक हैं। जो पंजाब में जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर आते हैं जाते हैं, इतने ज़्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे पंजाब में, जितने भी आ रहे हैं थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है, सही बात बताऊं तो, क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ, हमारे गांव के आसपास हम देखते ही हैं जाके, पर ज़्यादा टाइम तो मेरा टिकरी में रहता जहाँ हरियाणा में रहता, सही बताऊं तो मुझे सारे बोलते तू हरियाणा की हो गई, मैं पंजाब में कम ही जा पाती हूँ, क्योंकि एक तो टिकरी पास में पड़ता है हरियाणा के, तो हरियाणा के टोल जहाँ हरियाणा के यही था कि हरियाणा में सोनिया की सक्रियता इतनी ज़्यादा। देखिए एक तो टिकरी बॉर्डर हरियाणा के पास में पड़ता है, यूपी भी पड़ता है, बट यूपी में इतने, जहाँ पे मैं गाजीपुर बॉर्डर जाती हूँ, जहाँ पे यूपी में मुझे बुलाया गया था रुद्रपुर में, महापंचायत हुई थी, टिकैत साहब ने बुलाया था, यूपी में मेरा नानका है, नानका परिवार है, वहाँ पे जहाँ बुलाते हैं हम वहाँ पे भी जाते हैं, बट हरियाणा पंजाब का जो मुद्दा है इस टाइम पर, सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे चला हुआ है, जितने लोग हरियाणा के हैं इस बॉर्डर पे पंजाब के हैं, उतने लोग मुझे नहीं लगता कि यूपी के आके बैठे होंगे, सो हरियाणा के बीच में हम बैठे हैं इस टाइम पर, तो हरियाणा में जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जल्दी जाया जाता है, पंजाब को हरियाणा की सीमा पार करके पंजाब जाना पड़ता है, तो ये हरियाणा पहले आता है, हम हरियाणा में बैठे हैं, तो इसीलिए ज्यादा नजदीक तो यही पड़ता है। आप देखो ये ताई ने इतना प्यार दे दिया, खंडेला वाली ताई ने, कि ये
इन्होंने महिला पंचायत भी कराई थी तो यहाँ भी बुलाया था, तो इसलिए हरियाणा में मुझे खुद को लगने लग गया, मुझे हरियाणा का सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है। एक तो पंचायती सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है, खाप पंचायती सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बोलती हूँ यहाँ के लोगों को मिक्स कर देना चाहिए पंजाब के लोगों में भी, कि वहाँ पे भी पंचायती सिस्टम होना चाहिए, ये खाप पंचायतें होनी चाहिए, हमारे पंजाब में नहीं है। सोनिया मान को बड़ा उग्र सा माना जाता है, एक तो होता है कि कामरेड से विचारधारा की है, सोनिया को तो ये बोला जाता है कि नक्सली सी लड़की है ये, इतने बड़े आरोप क्यों? देखिए सबसे पहली बात, जो सच बोलता है वो नक्सली लगता है, वो कॉमरेड लगता है। मैंने पहले दिन बोला था, मेरे फादर कॉमरेड थे, मेरे फादर कीर्ति किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे, सारी जिंदगी किसान यूनियन को दे दी, और मेरे को कॉमरेड मेरे पिताजी की वजह से बोला जाता है। तो मेरे को ये मानना है कि अगर सारे धर्मों की इज्जत करना, अगर गुरु नानक देव जी ने बोला था किर्त करो और वंड के जाओ, बराबर का हिस्सा थप्पी को देना, आम इंसान के बारे में सोचना, तो अगर वो कॉमरेड है तो मैं कॉमरेड हूँ, और अगर सच बोलना कॉमरेड है तो मैं कॉमरेड हूँ, और अगर लोगों के अधिकार के लिए आगे खड़े होना है, सरकारों को उल्ट बोलना है, गलत बोलना है, तो मैं नक्सली हूँ। तो नक्सली की बेटी नक्सली होएगी तो और क्या होगी। पिछले दिनों दो अच्छे गाने आपके साथ आपके आए थे, अजय हुड्डा जी के साथ में और कनवर ग्रेवाल जी के साथ में, क्या उम्मीद है कि आगामी दिनों में इस तरीके के किसानों किसानी से जुड़े हुए कुछ गीत आएंगे आपके? गीतों से ज्यादा मेरे को लगता है मैं अब गीतकार से ज्यादा या सिंगर से ज्यादा या एक्टर से ज्यादा मैं आंदोलनकारी ज्यादा बन चुकी हूँ। जैसे आपने बोला नक्सली बन चुकी हूँ, कामरेडिनी बन चुकी हूँ, आंदोलनकारी बन चुकी हूँ। गीतकार तो अब मुझे सूझते नहीं कोई भी, मैं सच्ची बताऊँ तो ना ही एक्टिंग सूझती है। यहाँ तो बस लोगों का दुख दर्द दिखता है कि इसका टेंट उड़ गया, इसका टेंट होना चाहिए, इसके पास ये सुविधा नहीं है, उसके पास वो पहुंचानी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे आप इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हो ना, टिकरी बॉर्डर पे मैं बोल दूं, मैं टिकरी बॉर्डर पे रहती हूँ, आपको लोगों का दर्द नहीं देखा जाता, तब आपको काम नहीं सूझता, ना गाने सूझते हैं, ना एक्टिंग सूझती, ना और कुछ सूझता है, जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हो लोगों के। और मुझे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मुझे बताइए कॉमरेड किस बात के लिए गलत है या नक्सल किस बात के लिए गलत है? नक्सलवाद ने हमेशा लड़ाई की गवर्नमेंट के साथ, किसके लिए? लोगों के हकों के लिए। कॉमरेडों ने अगर लड़ाई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो किसके लिए? लोगों के हकों के लिए। कॉमरेड हमेशा से यही बोलते थे कि सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? भगत सिंह को भी कॉमरेड बोला जाता है, जिसने लेनिन पढ़ लिया वो बोलते हैं कॉमरेड है। मेरा आरोप नहीं था, लोगों के आरोपों को मैंने सवाल बना करके आपके सामने। देखो हाँ, मुझे पता है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो कर्म है एंड ऑफ द डे तो वही देखा जाएगा ना। सोनिया मान का कर्म ये है लोगों की सेवा करना, और जो मैं करती रहूंगी, चाहे वो ये मोर्चा है, चल कल को एक और मोर्चा आएगा, उसके बाद एक और मोर्चा आएगा, जब तक मेरी जान है जहान है तब तक मैं लोगों की सेवा करती रहूंगी, चाहे मुझे कामरेड बोलो, चाहे नक्सलवादी बोलो, चाहे कुछ बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सोनिया मान थी जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से आंदोलन को लेकर के ये सक्रिय हो रही है, पुलिस के जवानों को इनकी एक अपील है कि कहीं ना कहीं जो किसानों के बेटे हैं, किसानों को लाठियां मारने की बजाय किसानों का साथ दे, और यहाँ तक बोला गया है वो अपनी ड्यूटियाँ छोड़ करके अपनी। ये भी आपने सुना सोनिया मान जी को, जो कि लाइव जुड़ी थी हमारे साथ, अभी जल्द ही टीम आने वाली है जो कि आगे फैसला सुनाएगी कि आगे कुल मिलाकर किसानों द्वारा आगे क्या फैसला लिया गया है। काफ़ी भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं आज यहाँ। हाँ जी बहुत है जी, यहाँ बहुत है, बहुत है, पूरा मोर्चा है। सीपीएम पता है जी, पता है।
और लंगर की व्यवस्था की गई है, सभी किसान भाई लंगर का आनंद ले रहे हैं। अभी कुछ ही देर में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी और बाकी सभी कमेटी के लोग सामने आएंगे और जो फैसला लिया गया है वो सभी के साथ साझा किया जाएगा। तो जुड़े रहे आप हमारे साथ। फिलहाल सोनिया मान नज़र आ रही है आपको। सोनिया मान के साथ सेल्फी। बस 5-6 मिनट के इंतज़ार के बाद पूरी कमेटी आपके सामने आके फैसला रखेगी, तो बने रहें आप हमारे साथ। काफ़ी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं आज यहाँ। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी की ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा आज। ये सोनिया मान जी के साथ सभी साथी सेल्फी खिंचवाते हुए। फिलहाल 11 सदस्य कमेटी अंदर गई हुई है जो कि चंद ही मिनटों में बाहर आके अपना फैसला सभी के सामने रखेगी। उम्मीद है कि आज कमेटी के द्वारा किसानों के हितों को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सभी की नज़र इसी पे बनी हुई है कि कब कमेटी बाहर आती है और कब फैसले से अवगत करवाती है। हाँ
काफी खुशी देखी जा सकती है इस समय, देख सकते हैं आप। सभी के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया है। ये दिखाते हैं आपको आगे और देख सकते हैं आप, काफी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं आज। पेन के अंदर है।